हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी, उत्तर प्रदेश मेट्रो का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आइए से जानते हैं किस प्रकार से डाउनलोड और कहां से डाउनलोड करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। सो सबसे पहले आते हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ऑफिशियल लिंक पे आने के बाद आपको कैरियर ऑप्शन में आ जाना है, जहां पे आपको रिक्वायरमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, रिक्वायरमेंट 2021। इसको पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कुछ इस प्रकार का व्यू ओपन होकर आता है, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स का एक कॉलम मिल जाएगा, जहाँ पर एडमिट कार्ड की साफ साफ तिथि 9/4/2021 दी हुई है। फ्राइडे को आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन, जहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का व्यू ओपन आएगा, जहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी और प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करते ही अपनी पूरी प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगी, जहाँ पे एप्लीकेशन सारी डिटेल, उसके बाद इसके साइड में ही आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड का कॉलम। एडमिट कार्ड कॉलम के क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एडमिट कार्ड के बटन पे क्लिक करते ही आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, जिससे आप सिंपली सेव बटन पे करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने पर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जहाँ पर आपको आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, सिग्नेचर से लेके आपका यहाँ तक आपका जहाँ पे सेंटर सिटी है वहाँ की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड के बीच में मिल जाएगी। साथ में एक छोटा सा डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, जिसे आपको फिलअप करके लेके जाना है। और साथ में ही सेकंड पेज पे आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगी, जहाँ पे आपको वो साथ में आइडेंटिटी के रूप में आपको रखना है। सबसे लास्ट में आते हैं आपके थर्ड पेज में, जहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है कि आपको कोई जुकाम, खांसी, बुखार या ब्रीथिंग, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको यह डिक्लेयर करके इसे भी साथ में लेके जाना है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें।